कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए उसको लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की जो टीम है वो जगह जगह मेरठ में कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर रही है और जगह जगह जो चेकिंग अभियान है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। ये कांवड़ सेवा शिविर है लेकिन उसके आसपास के जो दुकानें हैं या कोई बड़े शोरूम है वहां पर भी देखिए जो बम स्क्वाड की टीम है और डॉग स्क्वाड की टीम है वो इसी तरीके से लगातार यहाँ पर जो चेकिंग अभियान है वो कर रही है। शहर के अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो बनाए गए हैं और उनमें देखिए किस तरीके से यहाँ जो डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की जो टीम है वो खाली कांवड़ सेवा शिविर ही नहीं बल्कि आसपास की जो बड़ी दुकानें हैं जो बड़े गोदाम है उनकी भी जो चेकिंग है छानबीन है वो कर रही है। कुछ भी अगर संदिग्ध दिखता है तो उसको वहां पर जो पूरी टीम है वो चेक करने का काम कर रही है। पुलिस है, डॉग स्क्वाड की टीम है, बम स्क्वाड की टीम है, LIU की टीम है, IB की टीम है, तमाम पूरा एक जो सघन चेकिंग अभियान है वो इसी तरीके से पूरे मेरठ शहर में चलाया जा रहा है। चूंकि लखनऊ से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है तमाम जो पुलिस प्रशासन के बड़े अफसर हैं वो लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर दौरे कर रहे हैं और देखिए एक एक चीज को यहाँ बारीकी से छानबीन की जा रही है, उसको खंगाला जा रहा है और जो कांवड़ मार्ग है उस पूरे कांवड़ मार्ग पे इसी तरीके से जो अलग अलग टीमें हैं वो यहाँ पर जो चेकिंग करती हुई नजर आ रही है। कुछ बड़े होटल है या कुछ बड़े कॉम्प्लेक्स है वहां ऐसे ही जो बम स्क्वाड की टीम है, डॉग स्क्वाड की टीम है वो इस तरीके से चेकिंग कर रही है। बाकायदा पूरी रिपोर्ट बनाई जा रही है, आला अधिकारी को सौंपी जा रही है। एक तरफ इस तरीके से जो टीम है वो चेकिंग कर रही है, दूसरी तरफ चाहे ADG हो, IG हो, SSP हो, DM हो, CDO हो, SP City, SP रिहार तमाम पुलिस के जो अफसरान है वो ऐसे ही जो चेकिंग अभियान है वो जगह जगह चला रहे हैं। बाकायदा लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि कहीं कोई संदिग्ध वस्तु या किसी तरीके से कुछ ऐसी संदिग्ध चीज दिखती है तो तुरंत पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दें। और बाकायदा जो नंबर है वो नंबर भी लोगों से शेयर किए जा रहे हैं, लोगों को बाकायदा बताया जा रहा है कि आप ये नंबर ले लीजिए और नंबर पर अगर कहीं भी कुछ ऐसा दिखता है तो पुलिस प्रशासन की मदद करें। तमाम शहर के अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, अलग अलग जोन है, अलग अलग सेक्टर में पूरे कांवड़ मेले को बांटा गया है और ये देखिए किस तरीके से जो टीम है वो यहाँ पर गश्त करती हुई चेकिंग करती हुई नजर आ रही है। अब इस कॉम्प्लेक्स के बाद सीधी ये टीम बाहर की तरफ जा रही है क्योंकि बाहर जो कांवड़ सेवा शिविर लगाया गया है उसकी अभी तैयारी चल रही है और यहाँ पर जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो यहाँ पर आराम भी कर रहे हैं लेकिन आसपास के जो तमाम बैग हैं या कोई भी ऐसा कोना है या कहीं कुछ ऐसा संदिग्ध सा प्रतीत हो रहा है तो भी उसकी जो चेकिंग है जो टीम है वो लगातार यहाँ पर कर रही है। जो पुलिस प्रशासन है कितनी दूरी पर कांवड़ सेवा शिविर लगना है, कितनी दूरी पर नहीं लगना है तो इसको लेकर जो तमाम चीजें हैं, जो तमाम तैयारियां वो यहाँ पर कर ली गई है और ये देखिए पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इसी तरीके से जो चेकिंग अभियान है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। बम स्क्वाड की टीम है, डॉग स्क्वाड की टीम है, अब तक शहर के करीब 12 से ज्यादा पॉइंट पर ये टीम चेकिंग कर चुकी है और भी जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर भी आगे की तरफ जो चेकिंग है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर ये देख रहे हैं कि लगातार पुलिस प्रशासनिक अधिकारी दौरे पर हैं और देख रहे हैं बम स्क्वाड डॉग स्क्वाड की टीम है, आप लोग भी है, लगातार कॉम्प्लेक्स है, दुकान है, सब जगह ऐसी चेकिंग चल रही है। जी इसी तरीके से चेकिंग चल रही है सारी। अच्छा क्या निर्देश है वो? किस चीज के निर्देश? चेकिंग के लिए कि जगह जगह पॉइंट्स पर जाएं, पॉइंट्स पर जो भी शिविर कार्य लग रहे हैं इसमें जाके चेक करना है पहले से कि क्या है क्या नहीं है, कोई वैसी चीजें ना मिल जाए, इस तरीके की चेकिंग चल रही है। अच्छा इस तरीके से चेकिंग देख रहे मैडम, LIU भी पूरी तरीके से अलर्ट है, आप लोग भी जगह जगह जा रहे हैं। देखिए शायद ये लोग बात नहीं करते हैं, कुछ ऊपर से इन लोगों के लिए बाकायदा निर्देश होते हैं लेकिन हाँ तस्वीरें ये दिखाने के लिए और बताने के लिए काफी है कि पूरी मुस्तैदी से पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा की तैयारियों में और सुरक्षा में पूरी तरीके से जुटा हुआ है। सनुज शर्मा, ABP न्यूज मेरठ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.